नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मुंबई 1980 का दशक, अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर एनकाउंटर से भरे उस दौर में भी इस शहर में रहने वाला आम इंसान अपने आप को और अपनी फैमिली को सुरक्षित समझता था। 1990 बॉम्ब ब्लास्ट और सांप्रदायिक दंगों के इस दौर में पहली बार मुंबईकर के मन में डर ने जन्म लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुरक्षित होने की भावना तब भी बरकरार थी। सन 2000 इस दशक में भी इस शहर में काफी हद तक लोग और खासकर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझते थे, लेकिन क्या आज हम इस शहर में अपने आप को उतना सुरक्षित महसूस करते हैं? एक सर्वेक्षण के अनुसार मुंबई पूरी दुनिया में सुरक्षा के मामले में 123वें स्थान पर है। पुलिस हेल्पलाइंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में हम बढ़ती हुई क्राइम रेट को रोकने में क्यों असफल रहे हैं? और इसी मुद्दे से जुड़ा है हमारा आज का ये केस। एक वक्त ऐसा भी था जब मुंबई शहर पूरे देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित समझा जाता था, लेकिन उसी शहर में जब रात के सिर्फ 10:30 बजे भरी सड़क पर दो युवाओं का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, तो एक आम इंसान के मन में रह रहकर ये सवाल उठता है कि क्या ये शहर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सुरक्षित है? What a shot! What a shot! 132. Yes, six marer. Hey, Lily, मैं बोला था ना तेरे को कि धोनी खेलेगा तो मैच अपुनी जीतेगा। वो सब ठीक है डेविड, लेकिन इंडिया जीतेगा तो भी तुमको एक और ड्रिंक नहीं मिलेगा। Do you understand? That's a boundary. This is celebration time. Small one. हेलो सर, ये ओशियोरा के रेस्टोरेंट बार के वहाँ पे झगड़ा हो रहा है सर, जल्दी आइए आप लोग सर। ओ माय गॉड सर, चाकू मार दिया सर इसको। क्या पूछताछ करो सर, जहां से जाता हूं सर। कुछ बताया क्या इन्होंने? नहीं सर, कुछ मालूम नहीं। ये पूरा फुटपाथ सील करो और फोटोग्राफर और पंचनामा टीम को बुलाओ सर। कॉन्स्टेबल्स को बोलो कि ये सीसीटीवी फुटेज भी चेक करें। यस सर। हाँ सर, कुछ तो लफड़ा हुआ था, 10-12 लोग थे और दो लोगों को बहुत मारा। आज मैच थी ना, कस्टमर बहुत ज्यादा थे, बाहर से बहुत आवाज आ रही थी। जब मैं बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। सॉरी सर, कस्टमर बिल पे करके बाहर जाके क्या करते हैं ये मुझे नहीं आइडिया। हाँ, पान वाले की दुकान के पास कुछ हुआ था, उसे पता हो। मतलब तुम्हारे बार के बाहर इतनी बड़ी घटना हो गई और तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा? देखा नहीं या बताना नहीं चाह रहे? रिक्शे में डाल के लेके गए, दो लड़के, 3-4 लड़के लोग थे। रिक्शे से लेकर के गए, इसका मतलब आसपास के किसी हॉस्पिटल में लेकर के गए होंगे। एक काम करो, आसपास के सभी हॉस्पिटल्स को कांटेक्ट करो। यस सर। सर, सर पान वाले का कुछ पता नहीं, उसकी दुकान और फोन दोनों बंद है। हेलो बल्लू,
अरे यार, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। अरे वरुण, अच्छा सुन 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 सुन, एक बार सुनो। हाँ, क्या बोला डॉक्टर? एक मिनट हाँ। कौन है? अरे अंकल, वरुण केविन कहाँ है? क्या हुआ मायरा? आंटी, केविन किधर है? सर, कांस्टेबल ने बताया है कि रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरा वर्किंग कंडीशन में नहीं है। क्यों? कोई टेक्निकल इशू है सर। लेकिन एक बात है सर, जब ये कांड हुआ तो बहुत से लोग यहाँ थे, लेकिन किसी को भी जानकारी नहीं है। जानकारी है नहीं वो, या वो लोग देना नहीं चाह रहे। हेलो वरुण, तुम लोग तो पार्टी करने गया था, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, दोनों बच्चे लोग ठीक तो है ना? देखिए, हमने बहुत कोशिश की। रोहन चौहान अभी तक आईसीयू में, बट आई एम सॉरी, केविन डिसोजा काफी जख्मी था। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उसे बचा नहीं पाए। सर, लड़कों को सिटी हॉस्पिटल लेकर गए हैं, उनमें से एक की मौत हो गई। जाधव, तुम इन लोगों से बातचीत करते रहो, मुझे लग रहा है इतने लोग थे वहां पर, उनमें से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उन्हें पहचानता होगा। एक काम करो, उन लोगों से सच निकलवाने की कोशिश करो, मैं तब तक हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। यस सर। ओके। मम्मी आप प्लीज शांत हो जाइए, अभी सर्जरी शुरू हुई है। डॉक्टर ने बोला रोहन को कुछ नहीं होगा। क्यों मारा रोहन? तो कौन थे वो लोग? ऐसे कैसे हुआ? बहुत गड़बड़ हो गई पापा, बहुत सारे लोग थे। आप बस मम्मी का ख्याल रखो, बताता हूँ ना आपकी संभाल कर। मैं एक्सक्यूज मी, आप लोगों में से क्राइम सीन पे कौन कौन हो चुका है? सर, मैं, ईशा और मायरा। आपसे कुछ बात करनी है। सर, उनमें से एक ने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी थी, हाइट वाज अराउंड 5 to 5'5". वो लोग 10 से 15 लोग थे, जिनमें से बस 4 ही केविन और रोहन से फाइट कर रहे थे, बाकी सब उनके सपोर्ट में थे। सर, वो जिसने ग्रीन टी शर्ट पहन रखी थी उसके हाथ में हॉकी स्टिक था, और एक ने सर वो ब्राउन कलर की पठानी होती वो पहन रखी थी, उसके हाथ में वो जो नारियल छिलने वाला चाकू होता है वो था सर, बाकियों के हाथ में चॉपर और क्रिकेट स्टंप्स थे सर। सर, हम जोर जोर से चिल्ला रहे थे पर कोई मदद के लिए नहीं आया। आई वॉज कंटिन्यूसली ट्राइंग पुलिस हेल्पलाइन 100 पर द लाइन वॉज बिजी। सर, 2 दिन बाद केविन की दुबई के लिए फ्लाइट थी, उसकी नई जॉब लगी थी वहाँ, उसको फेयरवेल देने के लिए इकट्ठे हुए थे सर हम लोग। एंड सर, इट ऑल स्टार्टेड जब उन लोग ने मायरा को गंदी तरह छुआ था, गंदे कमेंट्स पास किए। सर, उसमें से एक को मैंने ग्लास फेंक के मारा था, उसके सर पे काफी चोट भी आई थी। हाँ बोलो जाधव। सर, रेस्टोरेंट के वेटर से पता चला है कि हमलावर इसी आसपास के एरिया के हैं, एरिया में कई बार देखा गया उन्हें। हमें भी यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली उनके बारे में, और जिस तरीके का होलिया बताया जा रहा है उन लोगों का पास के सिद्धार्थ नगर बस्ती से होने के चांसेस ज्यादा है। जाधव, तुम एक काम करो, एक टीम को लेकर के उस बस्ती में जाओ, उनके कहीं भाग जाने से पहले हमें उन तक पहुंचना होगा। एक बात और जाधव, उनमें से एक के माथे पर ग्लास से मारा गया, तो एरिया के सभी डॉक्टर्स को कॉन्टेक्ट करो, अगर चोट लगी है तो ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं तो करवाई होगी, जो भी डाउटफुल लगे उन सबको अरेस्ट करो। पुलिस ने आसपास के सारे हिस्ट्री शीटर्स को धर दबोचा, कई जगह पर छापे भी मारे, और बिना वक्त गवाए जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती थी उतनी उन्होंने की। चल फटाफट बोल, हमारे बच्चों को ऐसे नहीं उठा सकते, कोई सबूत है आपके पास? देखिए, अगर आप लोगों के बच्चे बेकसूर हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा, हमने उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया और किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 2 जवान बंदों को बेरहमी से मारा गया, उनमें से एक की मौत हो गई है और दूसरा हॉस्पिटल में भर्ती है, तो प्लीज प्लीज हमें हमारा काम शांति से करने दीजिए। जाधव, इस पूरे एरिया को छान मारो, जिस किसी के भी माथे पर चोट का निशान मिले उसे फौरन हिरासत में लो। देखो, मुझे पता है कि तुम लोग ऐसी हरकत कर नहीं सकते, अगर तुम लोगों को कुछ भी पता है तो अभी के अभी बता दो, मैं तुम लोगों को फौरन छोड़ दूंगा। साहब,
कुछ देर पहले वो अमन और उसको दोस्तों को जाते हुए देखा था। सादिक, क्या हुआ मन्या? चल नारा करने का है। लेकिन हुआ क्या रे अमन? अरे छोका लोग मारा मेरे को। क्या? हाँ। मुझे हाथ लगाया? हाँ। कौन थे लौंडे? पता नहीं, टाइटो पे वाले थे और मुझे अंग्रेजी में गाली दे रहे थे। साला आज कल ये व्हाइट कलर वाले अपने को कुछ ज्यादा शाना समझने लगे। चल उनकी सार पत्ती उतारते हैं अभी। चल, चल ना। आया। ये वमन इस एरिया में रहता है? हाँ साहब, वो यहाँ पे एक सैलून में काम करता है। और उसके दोस्त? सर सादिक भंगार का काम करता है और नामदेव झाड़ू लगाने का काम करता है। वमन किधर रहता है वो? सर ये 5 नंबर गली में। वमन? हाँ साहब। साहब हुआ क्या? अरे मैंने मैंने क्या किया साहब? साहब मैं कसम खा के कह रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। आज रात 10 से 10:30 के बीच में कहाँ था तू? घर पे था साहब, इंडिया का मैच चल रहा था, मैं वही देख रहा था। अच्छा, तो ये हॉकी स्टिक्स और स्टेप्स लेकर के कहाँ जा रहा था? हॉकी स्टिक? साहब किसने झूठ बोला आपको मेरे बारे में? अच्छा, ये डर क्यों रहा भाई? ये चोट कैसे लगी? वो घर जाते वक्त गिर गया था साहब। कहाँ गिरा था? चल जगह दिखा। वो सलीम मटन शॉप के बाहर। ये पट्टी किसने किया? डॉक्टर ने। डॉक्टर का नाम? याद नहीं आ रहा है साहब। अभी कुछ याद आया? डॉक्टर मनोज शाह। देख सच बोल, खून तुम लोगों ने ही किया ना? नहीं साहब, वो लोग झूठ बोल रहे हैं मेरे बारे में, मैंने कुछ नहीं किया साहब। हेलो डॉक्टर साहब, आज रात 10 से 11 के बीच में कोई ऐसा पेशेंट आया था जिसके सर पे चोट लगी हो? हाँ हाँ, 2-3 लोग लेकर आए थे उसे मेरे पास। उनमें से किसी ने कुछ ये बताया कि उसके सर पे चोट कैसे लगी थी? हाँ, किसी ने उसे कांच का गिलास फेंक कर मारा था। जख्म काफी गहरा था। तो जख्म के अंदर कांच के गिलास के पार्टिकल्स मिले मुझे काफी। ओके थैंक यू डॉक्टर साहब। लेकिन अशोक दुबे नाम का उनका साथी फरार होने में कामयाब हो चुका था। अब सवाल यह था कि आखिर उस रात उस रेस्टोरेंट के बाहर ऐसा क्या हुआ था कि जिसमें 23 साल के केविन डिसूजा को अपनी जान गंवानी पड़ी और 29 साल का रोहन चौहान हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। रात 10:30 का वक्त था। चहल पहल के रहते इतने संगीन जुर्म की वारदात हुई। मौके वारदात पर कई लोग मौजूद थे पर किसी ने भी पुलिस की मदद नहीं की और गवाही देने के लिए भी आगे नहीं आए। दूसरे दिन पुलिस ने इन 3 आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया और केस को पुख्ता बनाने के लिए 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की, जो कि अदालत ने मंजूर कर दी। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिससे इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इस केस को स्ट्रांग बनाने के लिए रोहन का स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। रोहन उस वक्त भी क्रिटिकल कंडीशन में था। इंक्वायरी के 2 दिन बाद ही रोहन की इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ने के कारण उसकी मौत हो गई। इस बात से लोगों में गुस्से की एक लहर उठी और उस इलाके में निकले कैंडल मार्च में आम लोग भारी संख्या में शामिल हुए। केस की इन्वेस्टिगेशन बड़ी ही धीमी गति से चल रही थी। लगभग 15 दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लग पाया। केविन के पिता डेविड डिसूजा ने ये देखकर स्टेट मिनिस्टर से मिलकर अपनी कुछ मांगे उनके सामने रखी। पहली मांग थी कि ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। दूसरी मांग थी कि कई मुश्किल केस सॉल्व करने वाले सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर देवलेकर को इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया जाए। और तीसरी मांग थी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर उद्धव निमकर को ये केस लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने केविन के पिता की ये 3 मांगे मंजूर की। अनुज, बाकी सारे पेपर्स थे लेकिन उस लड़के का स्टेटमेंट क्या जिसने सबसे पहले हमें कॉल किया था? सर उसे हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुज मुझे कोशिश नहीं, उस लड़के का स्टेटमेंट चाहिए।
जी सर। उसने हमें कॉल किया था, इसका मतलब उसका नंबर हमारे सिस्टम में जरूर रजिस्टर हुआ होगा। ये सर। तो उसे वो लोगों ने बुलाया क्यों नहीं? सर इसका तो आइडिया नहीं। कल को कोर्ट में केस स्टैंड करने के लिए या मजबूत करने के लिए हमें उस लड़के के स्टेटमेंट की जरूरत है। एक टीम तैयार करो, उस लड़के को ढूंढ निकालो। कोर्ट में मुजरिम को गुनेगार साबित करने के लिए हमारे पास कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। और वो तीन लड़के जिन्होंने हमला किया था, मुंह खोला? नहीं सर, उन्होंने अब तक कुछ नहीं बोला। ठीक, लगता है इन्हें बिरयानी खिलानी पड़ेगी। देखो आखिरी मौका है, जो कुछ भी हुआ है ना सब कुछ सच सच बता दो। अगर साहब को गुस्सा आ गया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना सोचो मत, जल्दी बताओ। छोड़ा मुझे, ये लोग मुंह नहीं खोलेंगे, भूखे होंगे ना, पहले कुछ खिलाओ पिलाओ फिर पूछ। काय खाना? चिकन मटन जो खाना है वो बोल देना, साफ खिला देंगे। अनुज, वैसे ये लोग हमारे कुछ फायदे की है नहीं। खाना खिलाने के बाद मड आइलैंड लेकर जाना और ठोक देना तीनों गोली ना, यहां लगनी चाहिए बीचों बीच। ओ सर। आकाश वर्मा जी, 15 अक्टूबर की रात को आपने पुलिस को फोन करके एक दंगे के बारे में इन्फॉर्म किया था। जी, क्या देखा था आपने, जरा बताएंगे? देखिए आकाश जी, मैं आपका टेंशन समझ सकता हूं, पर आप बिल्कुल घबराइए मत। सर देखिए, आई एम कॉमन मैन और मैं पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता सर, आप समझ सकते हैं मेरी बात। हमारे पास कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है, आपकी गवाही से हम उन कातिलों को सजा दिलवा सकते हैं। आकाश जी देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन आकाश जी अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग ये सब बातें सोचते बैठेंगे तो और लोगों से हम क्या उम्मीद रखेंगे? जरा सोचिए, दो मासूम लोगों की जान गई है, आपको नहीं लगता कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए? ठीक है सर, मैं बताता हूं आपको। उस रात ओशिवारा के उस रेस्टोरेंट बार के ठीक सामने मैं कॉफी शॉप में बैठकर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। एक भीड़ दौड़कर आती है, उनके हाथों में हथियार होते हैं और एक अटैक होता है, मारधाड़ शुरू हो जाती। आपने उन लोगों को देखा था? सर थोड़ा दूर था मैं, 60-70 मीटर की दूरी पे ठीक सामने कॉफी शॉप था, नजदीक नहीं था तो अच्छे से देख नहीं पाया। लेकिन अगर मैं उनको सामने खड़ा कर दूंगा तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कोशिश कर सकता हूं सर। आपने जो कुछ भी हमें बताया आप कोर्ट में आके बता सकते हैं? पुलिस ने इस केस की छानबीन में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन अदालत में केस को और पुख्ता बनाने के लिए ठोस सबूतों और आई विटनेसेस की जरूरत थी। वैसे तो वो बहुत सारे थे, लेकिन कोई भी सामने आकर पुलिस का साथ देने के लिए तैयार नहीं था, और इसी वजह से पुलिस की तरफ से चार्जशीट फाइल होकर भी इस केस को अदालत तक पहुंचने में 1 साल लग गया। Yes, please. You may start your proceedings. Your Honor, myself, Advocate Uddhav Nimkar, I am handling this case in capacity of public prosecutor. Your Honor, myself, Advocate Vijay Bhatt, Advocate Hamid Ansari, Advocate Jasmine Dawawala, and Advocate Hiten Patel will argue for defense. What? Are you serious, sir? Yes, Mr. D'Souza. ये चारों वकील इतने महंगे हैं, मीटिंग का लाखों रुपए लेते हैं। लेकिन ये जो किलर्स हैं, ये चारों तो आम फैमिली का छुकरा लोग हैं। जानता हूँ मैं।
कोई सलून में काम करने वाला, झाड़ू लगाने वाले का बेटा, ये सारे इतने महंगे वकील कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? आई रियली कांट अंडरस्टैंड दिस। मैं समझाता हूँ, ये सारे एक अंडरवर्ल्ड गैंग के लिए काम करते हैं, उनके केसेस लड़ते हैं, जरूर इन चारों लड़कों का कोई ना कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन होगा। लेकिन ये बात पुलिस ने चार्जशीट में मेंशन नहीं की। मिस्टर डिसूजा, आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारी नजर से छूट जाएगी? लेकिन सर, ये बात आप चार्जशीट में मेंशन किया ही नहीं है। इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि तभी इन चारों का किसी भी गैंग के साथ कोई कनेक्शन था ही नहीं। अब हो गया है। अब हो गया मतलब? जब इन चारों को मर्डर केस में जुडिशियल कस्टडी हुई थी तब वहां उनका स्वागत हुआ था। जेल में बैठे बड़े बड़े गैंगस्टर लोगों को ऐसे लड़कों की जरूरत होती है और ऐसी एक गैंग ने इन चारों को अपने गैंग में शामिल कर लिया और उसी गैंग के वकील इन चारों का केस लड़ रहे हैं। They hire people in jail also. Mr. D'Souza, कड़वा है पर सच है। Your Honor, मेरे क्लाइंट मिस्टर वामन कोहली और उनके तीनों दोस्त उस रात किसी पार्टी से घर लौट रहे थे। ये लोग थोड़े अल्कोहल के नशे में भी थे। विक्टिम केविन डिसूजा और रोहन चौहान जब इन्हें मिले तो उन लोगों ने भी शराब पी रखी थी। केविन और रोहन ने शराब के नशे में इन लोगों से झगड़ा शुरू किया और तो और इन पर जानलेवा हमला भी किया। फिर अपने बचाव में इन लोगों ने भी काउंटर अटैक किया जिसमें केविन डिसूजा और रोहन चौहान जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ उनकी मौत हो गई। मतलब इनके बीच जो कुछ भी हुआ वो कोई सोची समझी साजिश नहीं बल्कि एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था जो सिर्फ शराब की नशे की वजह से हुई, जिसे मेरे काबिल दोस्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब और पुलिस मिलकर एक प्री प्लान्ड मर्डर का रूप दे रहे हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, वामन कोहली, सादिक शेख और नामदेव मुरकुटे, इन तीनों को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तब उनके मेडिकल टेस्ट की थी। उस टेस्ट की रिपोर्ट अदालत में मैं पहले पेश कर चुका हूं। उन रिपोर्ट के अनुसार नामदेव मुरकुटे और सादिक शेख, इनके बॉडी में जो अल्कोहल की मात्रा पाई गई है वो इतनी कम है जितनी कि किसी दवाई में होती है। वामन कोहली की बॉडी से अल्कोहल ट्रेस हुआ ही नहीं। इसका साफ साफ मतलब है कि जब यह हादसा हुआ तब ये लोग शराब के नशे में धुत नहीं थे, बिल्कुल होश में थे। नाउ लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केस, दैट इज द इंटेंशन ऑफ क्राइम। वो ये है कि वामन और अशोक ने विक्टिम केविन और रोहन की फ्रेंड मायरा और ईशा, इनको मोलेस्ट करने की कोशिश की, इसी की वजह से झगड़ा शुरू हुआ था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मोलेस्टेशन की ये कहानी सरासर झूठी है क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में या फिर FIR में भी इस बात की पुष्टि के लिए कोई सबूत मौजूद है ही नहीं। ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन और पुलिस की एक मनगढ़ंत कहानी है। वहाँ मोलेस्टेशन जैसी कोई बात हो ही नहीं थी। दरअसल केविन और रोहन की महिला दोस्तों ने मेरे क्लाइंट वामन और उनके दोस्तों पर लोअर इकोनॉमी क्लास होने पर गंदे कमेंट्स पास किए थे जो इस झगड़े की अहम वजह थी। मिस मायरा अल्मेडा, 15 अक्टूबर की रात को जब यह हादसा हुआ तब आप ओशिवरा के रेस्टोरेंट एंड बार में मौजूद थी? जी हाँ। अब कोर्ट को यह बताइए कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? उस रात हम सब वहाँ केविन का न्यू जॉब सेलिब्रेट करने गए थे। डिनर के बाद जब हम, क्या आप में से किसी ने भी अल्कोहल का कंजम्पशन किया था? यस बट नॉट मच। बिल पे करने के बाद जब हम वहां से निकल रहे थे तो मैं और ईशा लेडीज वॉशरूम गए। वॉशरूम बंद था तो हम दोनों बाहर वेट कर रहे थे। मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, घूमने जाएंगे, स्माइल। ओए, हमारी हिम्मत कैसे बच होने की? ओहो, बस चुवाई तो है, करंट लगा क्या? हे, जस्ट शट अप एंड लीव। मैडम, हिंदी के लिए दो दो तो बनेगा। ब्लडी लोअर क्लास पीपल। सा इतना हसीन है, प्यार कैसा होगा? आती है क्या? अरे घर खाली है अपना। सर उसके बाद हम बाहर आए और अपने दोस्तों को ये बात बताई। What happened? अरे वो पर मवाली लड़के थे ना,
उन लोगों ने मायरा को गंदी तरह टच किया था। कौन थे वो लड़के? अरे वो ऊपर यही थे वो लड़के। हे यू, तुमने अभी इस लड़की को छुआ? हाउ डेयर यू? गलती से हाथ लगा, सॉरी बोला मैडम को। तो क्या मेहरबानी किया क्या? अब हाथ जोड़ माफी मांग फिर से। ए बच्चे, बोला ना भाई ने, सॉरी मांगा ना, मांगा ना। तो फिर कमती हो, चल निकल यहाँ से। हे यू, हाँ सीधी तरह बात कर, नहीं तो। नहीं तो क्या रे, क्या उखाड़ेगा तू मेरा है? लड़के के सामने में हीरो बन रहा है, बे समझाना अभी। तूने हाथ लगाया मेरे को? लगाया। हाथ लगाया? इधर ही रोक। अगर मर्दा बच्चा है ना, इधर ही रोक। मैं तो बताता है, चीज रख देगा तेरे को। मर्दा बच्चा ही रोक। और बता देगा तेरे को। और फिर ये लोग वहां से चले गए। हमें लगा मामला खत्म हो गया, लेकिन 10-15 मिनट बाद ये लोग 10-12 लोगों को लेकर आए और फिर केविन और रोहन को। योर ऑनर, मायरा ने तो मेरी इस बात को बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से साबित कर दिया है कि केविन ने ही झगड़े की पहल की थी और इन लोगों ने अल्कोहल यानी शराब भी पी थी। इससे ये बात साफ होती है कि केविन और रोहन ने मेरे क्लाइंट वामन, सादिक, नामदेव और अशोक को अपने बचाव के लिए हमला करने पर मजबूर किया। सर, रेस्टोरेंट के बाहर पान की दुकान चलाने वाले रघुवीर ठाकुर की इन्फॉर्मेशन मिली है। 3 दिन पहले उसका फोन स्विच ऑन हुआ। ग्रेट, लोकेशन? अलाहाबाद। ये रघुवीर भी इस केस में आई विटनेस है। अलाहाबाद पुलिस को इन्फॉर्म करो और उसे तुरंत मुंबई भेजने के लिए कहो। सर, वामन कोहली, 15 अक्टूबर की रात को तुम रेस्टोरेंट का वॉशरूम यूज करने गए थे? हाँ जी। कौन था तुम्हारे साथ में? मेरा दोस्त अशोक दुबे। वामन कोहली के साथ में इनका दोस्त अशोक दुबे भी था। इन दो लड़कियों को पहचानते? जी। कैसे? ये भी उस रात वहां पर थी। वहां पर? मतलब? रेस्टोरेंट के अंदर, वॉशरूम के बाहर। जहां पर तुमने उनको छेड़ा, उनको छुआ, करेक्ट? नहीं नहीं, ये गलत है। सही गलत क्या है, उसका फैसला अदालत करेगी। तुम सिर्फ उस रात जो कुछ भी हुआ है वो सच सच बता दो। उस रात हम पेशाब करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर गए। मैं हिम्मत कैसे मैं टच करने की? सॉरी, गलती से लग गया। गलती से? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे मवालिये को, समझे? अरे मैडम, बोला ना उन्होंने सॉरी। लेट्स गो मायरा, वैसे भी इनके कपड़ों से इनका क्लास पता चलता है। लेट्स गो। ब्लडी लोअर क्लास पीपल। योर ऑनर, प्लीज नोट दिस पॉइंट। मिस मायरा और ईशा ने मेरे क्लाइंट और उनके दोस्त को लोअर इकोनॉमी क्लास होने के लिए कमेंट पास किया था। ऐसा इनका कहना है योर ऑनर, जरूरी नहीं कि यही सच हो। योर ऑनर, इन दैट केस मुझे मिस मायरा को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत दी जाए। मिस मायरा अल्मेडा को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। मिस मायरा, आप अक्सर अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में जाती? जी हाँ। और वहाँ उनके साथ शराब भी पीती? Not regularly, but sometimes yes. तो उस दिन भी आपने अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी? Sir, it's my personal choice. I object, Your Honor. Defense lawyer को मेरी विटनेस की निजी जिंदगी से जुड़े सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं। Objection sustained. मिस मायरा, आपने बताया कि मेरे क्लाइंट वामन कोहली और अशोक दुबे ने आपके साथ बदतमीजी की या आपको मोलेस्ट करने की कोशिश की? कोशिश नहीं की, इन्होंने मुझे मोलेस्ट किया। एग्जैक्टली उन्होंने किया क्या था? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू द कोर्ट? दे टच्ड मी। कहां पर? पीछे। On my back. पीछे मतलब आपकी पीठ पे? No. On my bum. अच्छा, दोनों में से किसने टच किया था? I don't know exactly, but इन्हीं में से कोई था। लेकिन आप ये सब कैसे कह सकते?
हो सकता है कि कोई तीसरा आदमी आपको टच करके पीछे से निकल गया हो और आपने मेरे क्लाइंट्स को देखा और ये समझा या गलतफहमी पाल ली कि इन्होंने ही आपको टच किया। नहीं, इन्होंने मुझसे गंदी बातें भी की थी। Can you please explain? They said, आती है क्या? आज घर खाली है। लेकिन आप ये सब कैसे कह सकती हैं कि ये उन्होंने आपको ही कहा था? It's obvious, sir. Then prove it. I object, Your Honor. डिफेंस लॉयर मेरे विटनेस को अकवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वामन कोहली और अशोक दुबे ने लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी और उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, इस बात के कोई भी पुख्ता सबूत पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास नहीं थे। मायरा अल्मेडा और ईशा विजयकर से भरी अदालत में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जिनका जवाब देना शायद ही कोई लड़की पसंद करे। केविन के पिता डेविड डिसूजा की रिक्वेस्ट पर इस केस को एक स्पेशल वुमन कोर्ट में चलाए जाने के आदेश दिए गए। इसी दौरान इस केस से जुड़े एक अहम गवाह आकाश वर्मा को अदालत में पेश किया गया, जिनकी गवाही पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस दोनों काफी हद तक निर्भर थे। एक भी आई विटनेस ना होने के कारण केस दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। Your Honor, इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस हमारे हाथ लगा है, मिस्टर आकाश वर्मा। मैं मिस्टर आकाश वर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर आकाश वर्मा, क्या आप ही ने पुलिस को फोन किया था? जी, मैंने ही फोन किया था पुलिस को। उस रात आप मौका वारदात पर मौजूद थे? बिल्कुल, मैं वहां मौजूद था। I object, Your Honor. Your Honor, इस बात को सही या गलत साबित करने के लिए मैं भी मिस्टर आकाश वर्मा से कुछ सवाल जवाब करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर आकाश वर्मा, ये बताइए कि आप करते क्या हैं? I am a software engineer. Software engineer. यानी कि आप दिन रात लैपटॉप के सामने बैठकर काम करते रहते होंगे? Of course. और आपके पास स्मार्टफोन भी होगा जिसे आप यूज करते हैं? बिल्कुल। तो मिस्टर वर्मा, ये बताइए कि इन सब का आपकी आंखों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता क्या? पड़ता है, आईज में स्ट्रेन होता है। तो मतलब उसके लिए आप किसी आई स्पेशलिस्ट से मिले या कुछ चश्मा? हाँ, दिख रहा है मुझे। जी बिल्कुल, मैं देख सकता हूँ? डेफिनेटली। शुक्रिया। तो काफी पावरफुल लगता है। जी। तो ये बताइए कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त आपने अपनी आंखों पर कोई चश्मा या स्पेक्टेकल्स लगाए हुए थे? बिल्कुल नहीं, मैं कॉफी शॉप में था। मैं चश्मा सिर्फ तब लगाता हूं जब मैं पढ़ता हूं या फिर अपना काम कर रहा होता हूं। That's my point, Your Honor. जब यह हादसा हुआ, मिस्टर आकाश वर्मा वहां से लगभग 60 मीटर की दूरी पर एक कॉफी शॉप में बैठे हुए। तो योर ऑनर, मेरा ये कहना है कि मिस्टर वर्मा जो रीडिंग ग्लास लगाते हैं, हादसे के वक्त वहां से 60 मीटर की दूरी पर एक कॉफी शॉप में बैठे थे। तो योर ऑनर, ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी दूरी पर बैठे हुए इस शख्स ने बगैर चश्मे के उस हादसे में अनजान शख्स को पहचान लिया हो? इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। वकील साहब, मेरी आईसाइट वीक है, मैं रीडिंग ग्लासेस लगाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सामने देख नहीं पाता या कुछ दूरी पे मुझे ये नहीं पता कि कितनी भीड़ है और कौन क्या कर रहा है। मैडम, मैंने उस हादसे को देखा, पुलिस को फोन किया और ये सुना भी मैंने कि वहाँ पे झगड़ा चल रहा है, कोई किसी को मार रहा है। मिस्टर वर्मा, जितनी पावर का आप चश्मा लगाते हैं उससे साबित होता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि 60 मीटर की दूरी पर आप किसी दंगे में अनजान शख्स को पहचान लें। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। करेक्ट? दैट्स ऑल योर ऑनर। कत्ल के वक्त मौजूद गवाह एक के बाद एक कमजोर पड़ रहे थे। सेक्सुअल मोलेस्टेशन और छेड़खानी की बात भी पुख्ता सबूत न होने की वजह से ठोस तरीके से साबित करना मुश्किल लग रहा था। इन परिस्थितियों से निराश होकर इस केस से जुड़ी मायरा अल्मेडा ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और इस मामले की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, और उनकी ये कोशिश काफी हद तक कामयाब भी हुई। समाज के लगभग सभी वर्गों की तरफ से
केविन डिसूजा और रोहन चौहान को समर्थन जाहिर किया गया और इस समर्थन के अलावा इस डिजिटल मूवमेंट की वजह से इस केस में एक बेहद अहम मोड़ आया। रघुवीर ठाकुर, आप ओशिवरा के रेस्टोरेंट एंड बार के सामने आपकी पान की दुकान है? जी साहब। अब हमें बताइए कि 15 अक्टूबर 2011 की रात को आपकी दुकान के सामने कौन सा हादसा हुआ और उस हादसे में कौन कौन शामिल था? हाँ साहब, सब बताता हूँ साहब। सबसे पहले इन दोनों गुटों में झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद जिस लड़के का मर्डर हुआ था ना, वो लड़के ने जाके उसको एक लाफा मार दिया। हेलो सर, मैं दिल्ली से रागिनी चोपड़ा बोल रही हूँ। जी सर, जब ये हादसा हुआ तब मैं उसी रेस्टोरेंट में मौजूद थी। सर वहाँ जो कुछ भी हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इतने दिनों से आप थी कहाँ? सर उस वक्त मैं एक हफ्ते के लिए कुछ काम से मुंबई आई हुई थी और तभी ये हादसा हुआ था। और अपना काम खत्म होने के बाद मैं अपने घर दिल्ली वापस चली आई। फिर मुझे इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और मुझे लगा कि इतने सारे लोग थे वहाँ पर, किसी ना किसी ने अब तक गवाही दे दी होगी और क्रिमिनल्स को सजा भी मिल गई होगी। लेकिन आज जब मैंने सोशल नेटवर्क पर मायरा का लेटर पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। रागिनी जी, अभी तक सजा क्यों नहीं मिली उन्हें पता है? लोग तो काफी थे वहाँ, पर आ गया कि गवाही देने वाला कोई नहीं था। सर मैं दिल्ली से गवाही देने के लिए आने के लिए तैयार हूँ। रागिनी जी, आप जैसे लोग इस समाज के लिए मिसाल बन सकते हैं। जब भी कोर्ट में तारीख होगी आपको वहाँ आके गवाही देनी पड़ेगी। आई एम रेडी सर। अगर आप जैसे लोग आगे आके गवाही देंगे तो आधे से केस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू अगेन। क्या आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि उस रात को केविन डिसूजा और रोहन चौहान पे हमला करने वाले ये चार लड़के ही थे? बहुत चर्बी चढ़ी है तुम लोगों को, अभी दिखाता हूँ सब भाईगिरी क्या होती है। कौन सा भाई? अरे मारे, अरे तू sure about my statement. Your Honor, रघुवीर ठाकुर और रागिनी चोपड़ा इस केस के बहुत ही अहम चश्मदीद गवाह हैं, जिनसे केवल 3 फुट की दूरी पर यह क्राइम हुआ था। जिनके कहने के अनुसार वामन और अशोक कुछ देर बाद वहां से चले गए, लेकिन जाते वक्त उन्होंने इनको मारने की धमकी दी। कुछ मिनटों के बाद वामन और अशोक उनके 10-12 दोस्तों के साथ वहां पर आए। उन्होंने बहुत ही बेरहमी से उन्होंने केविन और रोहन को मारपीट की, जिसमें उनकी हत्या हो गई। योर ऑनर, इसे साफ जाहिर होता है कि ये कोई हीट ऑफ मोमेंट में हुआ एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही वेल प्लान्ड, सोच समझ के की गई हत्या है। योर ऑनर, अब मैं कोर्ट के सामने उस नारियल पाने वाले को बुलाना चाहता हूं जिसके कोयते से यह हत्या हुई।
इजाजत है? हाँ साहब, इन लोग ही उस रात को मेरी दुकान में आए और मेरा कोयता लेके गए और वापस भी नहीं दिया साहब। रघुवीर ठाकुर, रागिनी चोपड़ा और नारियल पाने वाले के गवाही के बाद वामन, सादिक, अशोक और नामदेव का बच पाना मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन अब भी इस केस में कुछ अड़चने थी और जिसकी वजह बने हुए थे डिफेंस लॉयर। उन्हें ये केस अपने हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए वो किसी न किसी वजह से इस केस के काम को डिले करने की कोशिश कर रहे थे। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर वामन कॉली की तबीयत खराब होने के कारण वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे। ये रही उनकी मेडिकल रिपोर्ट। योर ऑनर, मैं तहे दिल से माफी मांगते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथी वकील मिस्टर दवा वाला अपने किसी निजी काम की वजह से आज कोर्ट में नहीं आ पाए, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमें अगली डेट दे दी जाए। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल सादिक से आज कोर्ट नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी आंखों में इन्फेक्शन है, तो मैं आपसे अगली तारीख की रिक्वेस्ट करता हूँ। कोर्ट की कार्रवाई अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। योर ऑनर, मेरी विटनेस मिस रागिनी चोपड़ा पिछले एक साल भर से इस केस की सुनवाई के लिए दिल्ली से मुंबई अपने खर्चे से आ रही है, लेकिन हर बार कोई ना कोई कारण दिया जाता है और डिफेंस की तरफ से इस केस की सुनवाई को डिले किया जाता है। मेरी विटनेस मिस रागिनी चोपड़ा की कोर्ट से दरख्वास्त है कि उनके दिल्ली आने जाने का खर्चा डिफेंस की तरफ से किया जाए। ये उसके पेपर्स। ये कोर्ट डिफेंस लॉयर्स और एक्यूज्ड को ये ऑर्डर देती है कि मिस रागिनी चोपड़ा का दिल्ली से मुंबई आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो लोग उठाएंगे। लेकिन जज साहिबा के सामने डिफेंस की ये डिले टैक्टिक्स ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी इस केस को पूरा होने में और वर्डिक्ट आने में लगभग 5 साल लग गए। मिस्टर डेविड, कल इस केस का वर्डिक्ट आने वाला है, आप कोर्ट से क्या उम्मीद रखते हैं? आई एक्सपेक्ट सीवियर पनिशमेंट बट नॉट डेथ पेनल्टी। तो क्या आपको लगता है इस केस में आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा? आई ट्रस्ट माई जुडिशियल सिस्टम। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरोपी वामन कोली, सादिक शेख, नामदेव मुरकुटे और अशोक दुबे, इन्होंने केविन डिसूजा और रोहन चौहान की हत्या की है। हत्या का भयानक स्वरूप देखते हुए अदालत इन चारों आरोपियों को धारा 302, 324 और 434 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। रागिनी चोपड़ा ने कर दिखाया समाज को कि अगर एक आम इंसान चाहे तो वो बड़े से बड़े मामले में भी किस तरह का बदलाव ला सकता है। क्या हम फिर से आज वो 30 साल पहले वाली सुरक्षा की भावना इस शहर में रहने वाले हर इंसान के मन में जगा पाएंगे, जहां हर कोई, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष,
इस हवा में खुलकर चैन की सांस ले सके, या फिर वो भावना सिर्फ उन दिनों के किस्से कहानियों तक ही सीमित रहेगी। और सिर्फ मुंबई में ही क्यों, इस देश के हर शहर में इस भावना का निर्माण करना पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आम आदमी, पुलिस, कानून और प्रशासन को एक साथ मिलकर पहल करने की जरूरत है। सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करके चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर अपने अपने शहर का हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश करे तो बदलाव लाना मुश्किल नहीं है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।